हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू शिवी ब्लॉग्स। कैसे हैं सभी लोग? सबको राधे राधे, प्रणाम, जय श्री कृष्णा। और अभी जो है आप देख ही रहे हैं कि अभी लगभग पिछले 3 से 4 दिन से और उससे पीछे भी कुछ दिनों से शिवी ब्लॉग अपना अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि अभी लास्ट चार दिन से शिवी को बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर था और उसके कारण से बहुत एकदम आप समझ सकते हैं कि 9th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी चल रहा है। अब बिल्कुल एक मैं कहूँ तो फाइनल स्टेज पे हम लोग हैं और उस दौरान फीवर आना, वायरल फीवर होना, जिसमें गले की प्रॉब्लम, खांसी और बहुत मतलब जॉइंट्स में पेन, बहुत सारी चीज़ें शिवी को हो रही थी, तो इस कारण से व्लॉग नहीं आ पा रहा। तो अभी मैं आज की अगर बात करूँ तो आज हम अभी इस समय जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ ये मैं बना रहा हूँ रात के 2 बजे, और अगर 2 बजे की बात करें तो ये सुबह है, क्या नाम है, 14 सितंबर की रात, मतलब सुबह 2 बजे मान लीजिए या 13 तारीख की रात को 2 बजे मैं इसको शूट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी नहीं पता कि हम लोग किस तरह से क्लिप और कुछ सारी चीज़ें मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि अभी जब से इसको फीवर रहा 4 दिन तो कोई चीज़ नहीं बनाई, ना ही कुछ चीज़ें कर पाए, और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि भाई फीवर है, उसको बहुत सारी मतलब जब तबीयत इतनी ख़राब है, जॉइंट्स में पेन है, तो हमको सबसे पहले उसका ध्यान रखना चाहिए। बहुत सभी लोगों ने कमेंट सेक्शन में एडवाइस भी किया था कि आप इस वक्त जो है केवल और केवल शिवी का ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं, आप रेस्ट लें, शिवी रेस्ट लें। तो अभी बेसिकली उसको ना पेन काफ़ी हो रहा है, तो उसको फील हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन काइंड ऑफ वर्ड शिवी ने बताया था कि उसको फील हो रहा है, तो बहुत सारे लोग समझ भी पा रहे होंगे क्योंकि जितने भी हमारी मतलब माताएं बहन हैं जो समझ पा रहे होंगे कि जो कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है क्या नहीं होता। तो इस वजह से क्योंकि हम कल सुबह डॉक्टर के पास जाएंगे और थोड़ा सा अब ये भी डाउट है कि ऐसा ना हो कि जो है वहाँ पर वो एडमिट ही कर लें, कि वो जो जिस घड़ी का सभी को इंतज़ार है वो घड़ी आ चुकी है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस कारण से अभी थोड़ा सा उसको रिलीफ मिला तो उसने बोला शिवी ने कि मेरा अभी जो है बैग भी रेडी नहीं हुआ, मैं बैग रेडी कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलो आप बैग रेडी करो, इतने मैं अपनी कुछ बातें ब्लॉग के माध्यम से जो कहनी है वो मैं अपना एक क्लिप बना लेता हूँ। तो इतना ही था, अभी अंदर मैं चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि शिवी क्या कर रही हैं और शिवी से भी कुछ अपने शब्द जो वो कहना चाहें वो अपना उनको बोलता हूँ कि वो बोलें। ठीक है जी। हेलो शिवी, हाउ आर यू? सबको जो है वेलकम तो कर लो यार, वैसे वेल मैंने कर दिया है और सब समझते भी हैं कि आपकी जब तबीयत इतनी ख़राब रही है, इनफैक्ट अभी भी है। नहीं, अभी तो बहुत बेटर है, मतलब मेरे को तो ये ऐसा हो रहा है कि जॉइंट्स में पेन सबसे ज़्यादा है, सारे जॉइंट्स, मतलब एल्बो से लेकर नीचे तक दर्द, मतलब हाथ भी मेरे ऐसे हो गए हैं, अभी स्वेल मैंने रिंग्स वगैरह भी बढ़ा दी क्योंकि ऐसा हो रहा था कि कहीं फंस ना जाए, नीचे पूरे पैर स्वेल हो रहे हैं, नीज में इतना, मेरे को 4 दिन हो गए हैं, मतलब दर्द मेरे को हल्का सा पहले से था लेकिन ना वायरल की वजह से हुआ या क्या हुआ ये, लेकिन मेरे को जॉइंट इतने ज़्यादा पेनफुल हो रहे हैं ना अभी कि पूरे पूरे दिन मैंने सबने ऑयलिंग करी, जैसे कोई भी भैया थे या उमंग या मम्मी या माँ ने इतनी कमर दबाई, सारी चीज़ें या गौर, मतलब सब हर कोई लगा रहा, मतलब 3-3 पूरे पूरे दिन मैंने ऑयलिंग करवा ली होगी तब भी मेरा दर्द नहीं गया, 4 दिन हो चुके हैं इस चीज़ को। और अभी क्या हो रहा है कि अभी भी बज रहे हैं 2:15 और मैं कर रही हूँ एक्चुअली बैक पैक, क्योंकि मेरे को ना अभी ऐसा हो रहा है, मैंने दीदी वगैरह से, अनुष्का भाभी से सबसे बात करी, अभी मैं बताऊँगी क्या क्या चीज़ें हैं, वो आपको मैं अलग से दिखाऊँगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ना सारी चीज़ें मतलब अपनी रेडी कर लेती हूँ क्योंकि मेरे को कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा ही होने लग रहे हैं अब और काफ़ी पेल्विक पेन हो रहा है, तो मेरे को ये लगा कि मेरे को बैग तुरंत रेडी कर लेना चाहिए क्योंकि अब मैंने सारी चीज़ें ना, एक्चुअली माँ ने भी बोला कि मैं हेल्प करा दूँ, बट मुझे ये कि मैंने कहा मैं बस माँ को समझा दूँगी क्योंकि मैंने ना सारी चीज़ें ना मंगा ली हैं, मैं आपको दिखाऊंगी भी बट कवर के हिसाब से मैं सेग्रीगेट करके रखूँगी ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मेरे को ये है माइंड में कि अब मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ तो मैं बैग लगा के अभी रख दूँ, फिर मैं पीसफुली लेट के अपना सुबह चाहे आराम से उठूँ, फिर डॉक्टर को दिखाने जाऊँगी क्योंकि कल का कुछ नहीं पता है कि डॉक्टर क्या चीज़ क्या बोलने, तो मैंने सोचा मैं सारी मैंने बताया कि हम करी इस वजह से रहे हैं कि जो है कल अब ये बैग पैक होकर के रख जाएगा क्योंकि ये हो तो जाता 4 दिन पहले, बट जब 4 दिन से 5 दिन से तुम फीवर में हो और सारी चीज़ें हैं तो फिर कैसे हो पाता, और चीज़ें क्या है तुम्हें पता है कहाँ पर कौन सी चीज़ रखी हुई है,
अब वो लास्ट मोमेंट पे वो चीज तुम्हें वहां पे ना मिले तो और समस्या। वही, क्योंकि मेरे पार्सल्स मैंने अनबॉक्स ही नहीं किए थे, खोले ही नहीं, तो मैंने अभी अभी खोले हैं सब। ये रहे ना, ये देखिए सब अभी खोली हैं। फिर कपड़े बच्चों बच्चों के सारे वॉश करे गौर साहब ने, मैंने कुछ भी नहीं, सारी चीजें इन्होंने बच्चे की धोई है, सब चीजें करी है। वो पुराने कपड़े पहनाते हैं ना, कपड़े मंगाए वो सारे, छठी तक जो है पुराने कपड़े, पुराने कपड़े हमारे यहाँ ये रिवाज है, बहुत जगह ऐसा ही होता है कि छठी तक पुराने ही कपड़े, फिर उसके बाद बुआ लेके आती हैं। तो इसलिए सब चीज इन्होंने करी, बाकी मैंने अपना काम अब करना शुरू करा है ताकि मैं। यार तुम करते कैसे, एक बात तो बताओ, तुम पे उठा नहीं जा रहा। अब उस समय का अगर मैं व्लॉग बनाता बहुत सारे लोग रो पड़ते। अभी तो तुम्हारी स्थिति है, हम पूरी पूरी रात थोड़ी सो पाए। किस किस को फोन मिला के रोई होंगी, इतनी स्थिति खराब अभी भी है, खैर बट अब ज्यादा वैसे है, तब मेरी वायरल में खराब थी। इतने लोगों के मैसेज आ जाए, थैंक यू सो मच। मैं ना सच में बहुत अफसोस फील करती हूँ कि मैं नहीं कर पाई, लेकिन मेरी हालत भी नहीं थी, बट थैंक यू। मैंने देखा मेरा इंस्टा क्या, यूट्यूब, मेरा मेल इवन, सब चीज़ इट वॉज फ्लडेड विद मैसेजेस। इतने लोगों के एम्पल अमाउंट ऑफ मैसेजेस आए हैं ना कि मैं बता नहीं सकती, बट मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों की कि आप इतनी टेक केयर करने के लिए मेरे पास हैं और मैं अपडेट्स दे नहीं पाती हूँ। तो इसलिए अब मैंने सोचा कि अब मैं ना आपको ये पूरा बैग भी दिखाऊंगी, मैं क्या चीज़ है, मैं आपको दिखाई देती हूँ शॉर्ट में ही, तो आप जल्दी से देख लीजिए। जल्दी से देख लीजिए, तुम जल्दी से दिखा दीजिए। जल्दी से मैं दिखा देती हूँ। एक तो मैंने ना ये फुल स्लीव गाउन मंगवाया है क्योंकि सर्दी लगने लगे ना, तो इस वजह से, तो ये वॉश करके रख दिए, ठीक है। ये माल आई थी वो वाला रख लिया मैंने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। ये भी फिटिंग का बहुत ही अच्छी बात है। ये पेटीकोट्स मैंने रखे हैं ताकि कंफर्टेबल रहूं मैं, पेटीकोट्स वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद दो कॉटन के मैंने ये अपने स्टोल रखे हैं। और देखो ये पुराने कपड़े जो शिवाय के हैं, हमारे मेरे भतीजे के, अनुष्का जी के बेटे के, हम अनुष्का भाभी अनमोल भैया उनका बेटा है, तो उनके पुराने कपड़े ये मैंने खुद ने बहुत सभ्यता के दायरे में वॉश करे, जिस बच्चे के हमें मिल सकते थे साइज के अकॉर्डिंग और प्लस वेदर के अकॉर्डिंग, तो हमने वो ही मंगाए। तो फिर जिस बच्चा क्या वो मतलब क्योंकि क्या है ना, नहीं मतलब ऐसे ना, मैं सोच रही थी कि थोड़े लड़की के भी रखूंगी और वैसे भी रखूंगी, वो एक ही बात है, बच्चों के तो ये सब शुरू एक ही होते हैं, एक ही होते हैं ना जी, वो तो बेटा हो बेटी हो तो कुछ भी हो। और एक मैंने ये रखा है शॉल, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, तब के लिए। अब मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करूं, नहीं नहीं अभी फिर सब लोग भूल जाएंगे, ये मैं बता देती हूँ सब चीज मेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने टॉयलेट सीट कवर्स मंगाए हैं, जब हॉस्पिटल में आप जाए सैनिटाइज करने के बाद भी वो डिसइंफेक्टेंट रहती है ना सी पूरी, आप ये करने के बाद स्प्रे अपना यूज करें, उसके बाद आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। पूरे सीट कवर लग जाएगा, उसके बाद आप बैठे। ओडोनिल लेके जा रही हूँ सेफर साइड पे, ऑल द हॉस्पिटल में सारी चीज अवेलेबल होती है, बट मेरे को ना नहीं, हॉस्पिटल बढ़िया है, बहुत हाइजीनिक है, थोड़ा वो रहता है, मतलब मेरे को ना अपनी जैसी फ्रेग्रेंस जैसी मुझे पसंद है ना, वैसे तो मैंने इसलिए पैकेट मंगा लिया, सैनिटाइजर हमारी अपनी कंपनी का भी है, शिवी स्मॉल साइज का, स्मॉल साइज की हगीज मंगाई है मैंने, ऑल्दो जरूरत नहीं पड़ती है शुरू शुरू में, तो बच्चे की मतलब वैसा होता है कि हाँ अपना लंगोट बना के वो माने भी तैयार कर रखी है, वो नीचे रखी है, कल मैं लूंगी, तो फिर भी मैंने सेफर साइड पे मंगा, वो अपने आप बाकी पैक हो जाएगा। ये मैंने पूरी किट तैयार कर दी है, कुछ मदर स्पेशल प्रोडक्ट्स मंगाए थे तो उसके साथ ये बैग आया था, उसमें मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं, वाइप्स वगैरह और काफ़ी चीज़ें अलग से भी हैं, मतलब जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं ना वो आप, ये मैंने थोड़ा रोल ऑन वगैरह भी, और मैंने बच्चे का ही वो मॉस्किटो रिपेलेंट होता है ना कि वो स्प्रे वो मंगा लिया था कि मेरे को भी ज़्यादा चीज़ स्ट्रॉन्ग ना वो करे, वाइप्स वगैरह भी सब चीज़ें मंगा ली, मतलब ये मैंने बच्चे की किट बना दी है अलग से। अब आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है मैम, अब आप प्लीज़ इन्हें अलाइन कर दो और सो जाओ, दूसरे रूम में चलो और सो जाओ, ठीक है। और वो ड्रेस भी है क्या, वो सब बात का काम हो जाएगा, सब समझ रहे हैं यार, सब समझ रहे हैं तुम्हारी पोजीशन, तुम ऐसे मत वो हो, ठीक है, सब जानते हैं तुम्हारे बारे में, ठीक है ना। हाँ जी, अब शिवी को हम बोलते हैं कि सोएं, ये बैग मैं पैक कर दूंगा और कल सुबह हम जाएंगे डॉक्टर, तो अभी के लिए विराम, क्योंकि ये पूरा ही एक व्लॉग रहने वाला है, तो मिस मत कीजिएगा कोई भी चीज़। कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हो सकता है कल नहीं मतलब सुबह, अब तो एक ही डेट हो गई ना, 14 तारीख को ही ये बना रहे हैं, मैं सारी चीज़ों की अपडेट दूंगा जी, जितना मेरे पे हो पा रहा है, थोड़ा आप मेरे को कॉपरेट कीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम और ये सारी चीज़ चलाना जानता नहीं, बट जितना मेरे से होगा मैं पूरा कॉपरेट करके इसको जो है अपडेट करूँगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका हृदय से बारंबार आभार और धन्यवाद, ठीक है ना मैम। हेलो जी, नमस्कार, वेलकम बैक टू शिवी ब्लॉग्स अगेन। आपने पुरानी वीडियो भी देखी होंगी जिसमें मैंने सब बताया था कि अभी पिछले 4 दिनों में क्या चला, कैसे शिवी की तबीयत ख़राब रही,
तो अब हम जो है शिवी को डॉक्टर के दिखाने लेके जा रहे हैं, जिसमें अब पता पड़ेगा डॉक्टर साहब आज एडमिट करेंगी या क्या करेंगी। तो माधव रेडी हैं बिल्कुल गाड़ी लेकर के, और शिवी भी आ चुकी हैं। शिवी आराम से आओ, आराम से, आराम से बैठो, बिल्कुल आराम से, कोई कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से 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 बिल्कुल आराम से। कोई तकलीफ तो नहीं? ठीक है। तो अभी हम लोग हॉस्पिटल आ चुके हैं और अभी डॉक्टर साहब के पास है अंदर शिवी, तो देखते हैं क्या होता है। तो तब तक वेट एंड वॉच, नर्वस तो है थोड़ा बहुत, इधर माधव भी बैठा हुआ है उधर के, अब क्या होगा, एडमिट होना है या क्या करना है, अब देखते हैं क्या होता है, आपको बताते हैं बहुत जल्दी। तो जी अब डॉक्टर साहब ने बता दिया है कि हम शिवी को एडमिट कर रहे हैं। पहले उनको लग रहा था कि शायद फॉल्स लेवर पेन है, बट उन्होंने जब चेक करी चीज़ें तो उनका कहना ये है कि अब हमें एडमिट कर देना चाहिए। तो अब शिवी आने वाली हैं, इनको अब रूम में लेकर के चलते हैं। अरे पागल हो गया शिवी, रो नहीं, सबको रुलाएगी क्या? शिवी को हमने एडमिट कर दिया है। शिवी हेलो हेलो, अब ये हम तुम्हारा ब्लॉग बना रहे हैं जिसमें तुम हो, इसके बाद कोई ब्लॉग नहीं बनाएंगे तुम्हारा, ठीक है? डैडी जरा ऑनलाइन मंगवा दो। शिवी क्या कह रही है? गार्लिक ब्रेड ऑनलाइन डिलीवरी करा। ये भी कह रही है कि मैं भी कह दूंगी ऑनलाइन डिलीवरी करा दो मेरी गार्लिक ब्रेड, मगर वो डिप डिप वाला क्या हो गया है, वो चीजी डिप मंगा था शिविर। दादाजी भी आ गए हैं अब तो, ये रहे अवेलेबल ना। हम तो अपना काम वाम भी हालांकि सारा हो गया, जैसे ही फोन मिला है ना तुरंत भाग के आया हूँ। तुम्हारा डिसीजन, मैं कह रहा हूँ मेरी इंट्यूशन पावर कितनी स्ट्रॉन्ग निकली, मैं राजी हूँ। का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। बाकी नेचुरली जो भी हमारा ब्लॉग आते हैं सेम टाइम पे, उसी सेम टाइम पर मैं कोशिश करूंगा कल से ब्लॉग दोबारा अपलोड होंगे, क्योंकि अभी शिवी पेन में है, उसको लेबर पेन स्टार्ट हो चुके हैं। सभी लोग हमारे परिवार के मित्र जो भी हमारे सभी मतलब वेलविशर्स हैं, सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब हमारे दोस्त भाई फैमिली मेम्बर सभी लोग। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, अभी नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता पड़ेगा, मतलब जो भी होगा इसको हम अपने तरीके से समय के अनुसार जैसा भी होगा अटेंटिवली इसको ब्लॉग को बनाएंगे और इसको हम प्रॉपरली अपलोड करेंगे, ठीक है? तो बने रहिएगा शिवी के साथ। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा कृपया करके प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट में आप अपने अपनी ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और शिवी नहीं कर पाएंगी कमेंट का रिप्लाई तो मैं खुद करूँगा, ये मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी आपको मैं दिखाता हूँ, सभी लोग आ चुके हैं, ये देखिए सभी लोग आ गए हैं। अभी शिवी के ना रूम के अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो अभी पेन में है। तो क्या होता है कि जब पेन में होता है बंदा, तो अभी हमारी ताई जी बोल रही थी कि आप लोग सब बाहर रहो, उसमें क्या होता है जैसे अपने सब लोग दिखाई देते हैं ना तो वो और ज़्यादा विचलित होता है मन, तो वो हमें शायद नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से अभी शिवी से मतलब कुछ लोग बाहर आ गए, कुछ लोग अंदर हैं, माँ अंदर हैं रूम में शिवी के साथ, अब देखते हैं क्या होता है। तो तब तक के लिए बने रहिए, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिएगा सब अपना अपना।